दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फूड फ्रेंचाइजी। और दोस्तों अभी मैं डायरेक्टली इन्हीं के आउटलेट पर हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इनके प्रोडक्ट्स को, इनकी किचन भी विजिट करवाऊंगा और साथ ही साथ मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट में फ्रेंचाइजी शुरू हो जाएगी और कहाँ कहाँ इनके आउटलेट हैं। मैं आज मौजूद हूँ इनके धनबाद आउटलेट में। धनबाद जो झारखंड में है, उनका यह फ्रेंचाइजी आउटलेट है जो कि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा एक एक करके। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और बताते हैं मोमो मियाँ आउटलेट के बारे में कि ये आउटलेट आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, किस तरीके से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं मोमो मियाँ के आउटलेट पे और बात करते हैं। सो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फ्रेंचाइजी बताओ पर। थैंक यू सर। दीपक जी कुछ बताएंगे मोमो मियाँ आउटलेट के बारे में, आप लोगों ने कब स्टार्ट किया है और किस तरीके से आपका आउटलेट चल रहा है? सर इसका 2 महीने हो गए शुरुआत में। अच्छा। और यहाँ पे बहुत फैंसी अच्छे अच्छे आइटम है। ओके। से मेरा सबसे ज़्यादा अभी चलने वाला वेज मोमो, पनीर मोमो, कुरकुरे मोमो, सिजलर वगैरह सब अच्छा चलते हैं। तो यहाँ पर आपने बताया कि वेज मोमोज, नॉन वेज मोमोज, स्टीम मोमोज, सिजलर मोमो, कुरकुरे मोमो, अलग अलग वेराइटीज। सो यहाँ पर कितनी वेराइटीज हैं टोटल मोमोज की? 120 वेराइटीज। 120 से ज़्यादा वेराइटीज है। हाँ। अच्छा, खाली मोमोज आपके पास है कि मोमोज के अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं? मोमोज के अलावा है, रोल्स है, नूडल्स है और राइस वगैरह है। अच्छा, मतलब कि सिर्फ मोमोज नहीं है, मोमोज के अलावा भी और सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप सिर्फ मोमोज नहीं खाना चाहते हो, मोमोज के अलावा भी कुछ और टेस्ट करना चाहते हो तो धनबाद के सरायढेला आउटलेट जो कि बिग बाजार के ठीक बगल में है, यहाँ पर आकर वो सब भी टेस्ट कर सकते हो। सो सिर्फ 2 महीने हुए आपको इस फ्रेंचाइजी को लिए हुए, अभी जो फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट कैसे आ रहा है? प्रॉफिट अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है कस्टमर की तरफ से भी। अच्छा। और अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा है। तो आपने जब इस फ्रेंचाइजी को स्टार्ट किया तो कंपनी की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला? कंपनी की तरफ से फुल सपोर्ट है, स्टाफ दिए हो, स्टाफ आपको कंपनी दे रही है, कंपनी दे रही है। अगर कोई स्टाफ छोड़ के चला जाता है तो वहाँ से दूसरा स्टाफ आता है, वो भी अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा काम होता है सब। अब जो सबसे बड़ी चीज होती है फूड आउटलेट में क्वालिटी, तो कंपनी आपको किस तरीके से सपोर्ट करती है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए? क्वालिटी मेंटेन में ये है कि क्वालिटी मेरा हाई लेवल है, सब अच्छा टेस्टी है। ठीक है। कंपनी की तरफ से आपको कुछ ट्रेनिंग मिली है? ट्रेनिंग मिला है, वहाँ पे जितना स्टाफ आते हैं सब ट्रेंड होते हैं, सब ट्रेनिंग लेके आते हैं यहाँ पे। ओके। वहाँ से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आते हैं, शॉप पे आते हैं। ठीक है। अभी टोटल कितने लोग यहाँ पे ट्रेनिंग, मतलब टोटल यहाँ पर स्टाफ? यहाँ पे स्टाफ 5 है। अच्छा, 5 स्टाफ है। ठीक है। तो वो सारे शेफ है? नहीं, 3 शेफ है, 2 हेल्पर से। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि टोटल 5 स्टाफ है, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है इसलिए इन्होंने 3 तो शेफ रखे हुए हैं, 2 हेल्पर हैं जो कि सर्विस के लिए काम करते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि आगे बहुत सारी जगह है, तो यहाँ पर टेक अवे मॉडल है। ये टेक अवे मॉडल में यहाँ पर आपको ना कि सिर्फ टेक अवे बल्कि एक तरीके से इन्होंने डाइनिंग की भी फैसिलिटी दी हुई है जो कि ओपन डाइनिंग है। मैं आपको इनकी किचन भी विजिट करवाऊंगा अभी और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर सारा खाना बनता है। लोग जब आते हैं, कस्टमर जब टेस्ट करते हैं तो आपके खाने के बारे में कैसा बताते हैं वो लोग? बहुत अच्छा रिस्पांस आता है कस्टमर से, बहुत अच्छा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए मोमो मियाँ के बारे में। मैं चाहूंगा कि एक बार किचन भी आपको दिखा दूं। सो आप मेरे साथ आए और किचन देखते हैं सर एक बार। सो दोस्तों अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मोमो मियाँ की किचन में। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज़ क्या है? किचन देखना, क्वालिटी यहीं से बनती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इनके शेफ हैं। सो दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इनका फुल मेन्यू जो है इनके काउंटर पे लगा हुआ है, जिसमें कि स्टीम मोमोज हैं, नॉनवेज मोमोज हैं, फ्राइड मोमोज हैं, इसके अलावा कुरकुरे मोमोज, पैन फ्राइड मोमोज, तंदूरी मोमोज, सेजवान मोमो, अफगानी मलाई मोमो, सेजलर मोमो, नूडल्स हैं, फ्राइड राइस है, फ्राइड राइस के कॉम्बोज हैं, नूडल्स के कॉम्बोज हैं, चिकन आइटम है, रोल्स हैं, मतलब कि इतनी सारी आइटम्स हैं कि आपके लिए चूज़ करना कठिन हो जाएगा। यहाँ पर आप रोज आकर रोज नई चीज़ डिश टेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी आगे भी देखिएगा, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या है और इनके बाकी काउंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ एक कस्टमर से रिव्यू ले लेते हैं जिन्होंने इनका फूड टेस्ट किया है। तो सर आप कुछ बताएंगे, आपने इनका फूड टेस्ट किया, आपको कैसा लगा? मैंने एक बार चीज़ कुरकुरे मोमोज खाया था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। चीज़ कुरकुरे मोमोज जैसा होना चाहिए, ऊपर से क्रंची अंदर से क्रीमी, एब्सोल्युटली वैसा ही था। और साथ में इनका जो भी सिजलर्स आइटम है वो भी काफ़ी बढ़िया है, वो न्यू है धनबाद के लिए। बाकी लोगों को भी रिकमेंड? हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैंने गूगल पे भी रेटिंग डाला है।
तो दोस्तों आज हमने विजिट किया मोमो मियां सरायडेला धनबाद का काउंटर और आपने जाना मोमो मियां के बिजनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को अपने शहर में शुरू करना चाहते हैं, अगर आप इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। दोस्तों इसकी फ्रेंचाइजी लेना बहुत ही आसान है। आपको इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए मात्र 5 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इनके दो अलग अलग तरीके के मॉडल हैं। जो पहला मॉडल है वो है टेक अवे मॉडल, जो आज हमने धनबाद का विजिट किया एक टेक अवे मॉडल ही है, जहां पर एक छोटा सा किचन स्पेस होता है, उसका काउंटर का स्पेस है। दोस्तों बाहर लोग खड़े होकर भी फूड एंजॉय कर सकते हैं या फिर यहां से पार्सल लेकर अपने घर जा सकते हैं। साथ ही साथ स्विगी जोमेटो या जो ऐसे फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू इनकी सेल्स आती है। तो ये इस तरीके से टेक अवे मॉडल में अर्निंग्स होती है। तो ये टेक अवे मॉडल जो आपका होता है ये 5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में शुरू हो जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है टेक अवे मॉडल में, कंपनी आपको पूरा किचन सेटअप रेडी करके देती है, काउंटर रेडी करके देती है, आपको खाली बोर्ड का एक्सपेंस होता है या फिर इसके अलावा जो लोकल आपको मार्केटिंग करनी होती है इसका आपका एक्सपेंस अलग से होता है। साथ ही साथ आपको रेंट पर जगह लेनी होती है अगर आपकी जगह अपनी नहीं है तो। दोस्तों यहां पर कंपनी आपको शेफ सपोर्ट भी देती है, आपके पास अगर शेफ नहीं है तो कंपनी आपको शेफ अरेंज करवा के देती है और उनकी पूरी ट्रेनिंग का काम भी कंपनी ही करती है। इनिशियल लेवल पर आपको किस तरीके से इस पूरे स्टोर को ऑपरेट करना है इस पर भी कंपनी आपको बताती है। साथ ही साथ आपके एरिया के हिसाब से क्या मेन्यू आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस तरीके से आप इसे प्रमोट करेंगे, किस तरीके से लोग आपके पास आएंगे, किस तरीके से आपके कस्टमर जुड़ते चले जाएंगे, इन सब चीजों में भी कंपनी आपको सपोर्ट करती है। दोस्तों इनका जो टेस्ट है बहुत ही गजब का टेस्ट है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी वैरायटी, जैसे कि मैंने आपको दिखाई कि एक लंबी चौड़ी वैरायटी है और आप आसानी से 2 से 3 लोगों के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो इनका मॉडल है वो है डाइनिंग मॉडल। इसी मॉडल को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, जहां पर हम अंदर सिटिंग की अरेंजमेंट भी कर लेते हैं। 12 से 15 लोगों के सिटिंग का अरेंजमेंट आसानी से 300 से 400 स्क्वायर फीट जगह में हो जाता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है, जब हम सेटिंग की बात करते हैं तो हमें क्रॉकरी का एक्सपेंस बढ़ जाता है, जब हम सेटिंग की बात करते हैं तो हमारा फर्नीचर एक्स्ट्रा हो जाता है, हमें अलग से एक दो वेटर हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं सो देट की जो सर्विसिंग कर सके, इन सब चीजों का एक्सपेंस आपका बढ़ जाता है। तो जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट आता है जो डाइनिंग मॉडल में आता है 10 से 12 लाख रुपए का आता है, अगर आप 300 से 400 स्क्वायर फीट का कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं। अगर आप बड़ा ओपन करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा। सो ये दो इनके बिजनेस मॉडल है। पहला जो टेक अवे बिजनेस मॉडल है आप 150 स्क्वायर फीट में भी खोल सकते हैं, 200 स्क्वायर फीट जगह उसमें भी ओपन हो जाएगा। और अगर आपके पास अपनी जगह केवल 100-125 स्क्वायर फीट की है तब भी हम वहां पर आपका ये आउटलेट स्टार्ट करवा कर दे सकते हैं। तो आप पूरी इंडिया में कहीं से भी हैं, मोमो एक ऐसी चीज हो गई है जो इंडिया में हर जगह चलती है। मोमोज के साथ साथ इनके पास फूड की वैरायटी और भी है, इस वजह से इनका ब्रांड ज्यादा चलता है। इनके जो मोमोज हैं वेज और नॉन वेज दोनों मोमोज बहुत ही बेहतरीन मोमोज हैं। क्वालिटी में आप अगर दोस्तों क्वालिटी की बात करेंगे तो मोमोज की जो ईस्टर्न रीजन के जो मोमोज होते हैं वो हमेशा बेहतरीन होते हैं। दोस्तों आप इनके किसी भी आउटलेट पे जाकर मोमोज टेस्ट कर सकते हैं या फिर आप हमसे बात कर सकते हैं अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। दोस्तों मोमो मियां पूरी इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करना चाह रहा है और आज इनके जो 10 आउटलेट है ये बहुत जल्दी बढ़कर 100 आउटलेट तक होने वाले हैं। अभी जो इनकी फ्रेंचाइजी फीस है मात्र 2 लाख रुपए है और फ्यूचर में हो सकता है कि आपको इसके लिए ज्यादा फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़े। तो दोस्तों अगर आप किसी QSR बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड हैं या फिर मोमो मियां की स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी वो थी मोमो मियां। दोस्तों मोमो मियां जो कि एक फास्ट फूड QSR फ्रेंचाइजी है, इस फ्रेंचाइजी के बारे में आज मैंने आपको बताया। आगे भी इसके बाकी जो आउटलेट्स हैं उनकी भी वीडियोज में आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उनके भी सारे आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। सो दोस्तों देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त। जय हिंद, जय भारत।